जब एक स्पाइसी गर्ल एक स्वीट गर्ल से मिलती है तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है बजाय बेस्वाद के। स्पाइसी गर्ल की सुबह की शुरुआत ऐसे होती है। सोफिया एक और मजेदार दिन के लिए एनर्जी से भरी हुई है। वो जो भी करती है वो मसालेदार होता है। लगता है वो पहनने के लिए कुछ ढूंढ नहीं पा रही। ओह, ये रही उसकी पसंदीदा लेदर जैकेट। उसकी लुक इसके बिना पूरी नहीं हो सकती। कुछ लाल चश्मे, हाँ ये। अब मैं पूरी तैयार हूँ, अब इफेक्ट पूरा हो गया। खैर नहीं, कुछ गायब है। बिल्कुल हॉट पेपर का स्वाद, इतना भी तीखा नहीं है। अब थोड़ा बेहतर है, पर अब उसे अपनी सांस का ध्यान रखने की जरूरत है। समय है उसके दांतों को ब्रश करने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ने का। हालांकि वो टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करेगी, पर रेड चिली पेपर। ओह, ये बहुत तीखा है। अब ये एकदम सही है। स्वीट किंगडम में चीजें बहुत अलग है। ये पैकेज कैंडी के बड़े से टुकड़े की तरह है, क्योंकि ये है। और स्वीट लिटिल एमिलिया अंदर छिपी हुई है। पहली चीज जो वो जागने की बात करती है, जाहिर सी बात है थोड़ी कैंडी खाती है। अब तुम नए दिन की शुरुआत कर सकते हो। समय है थोड़ा मेकअप करने का। इस स्वीट टूथ का मेकअप टेबल भरा हुआ है। क्या वो कैंडी है? मेकअप कहाँ है? लिप ग्लॉस के बजाय क्रीच। यहाँ तक कि स्वीट हार्ट को भी अपने दांत ब्रश करने होते हैं। एक लॉलीपॉप ट्रैक करेगा। इस सिंक के पानी में क्या है? क्या ये फ्रूट सिरप है? अविश्वसनीय। कैविटीज होने का एक भी मौका नहीं। ये लॉलीपॉप यकीनन काम में आएगा। नाश्ते का समय। मिस कैंडी यहाँ पर स्क्रैम्बल्ड एग्स बना रही है। खैर मीठे स्क्रैम्बल्ड एग्स, कुछ दही और पीचेस से। डेजर्ट बेस्ट होते हैं। सोफिया के अंडे असली अंडे हैं और वो तीखे हैं। ओह नहीं नहीं, इतना तीखा काफी है। और ज्यादा पेपर की जरूरत है। एमिलिया थोड़ी चाय बना रही है। कुछ डॉल डिशेस, थोड़े से स्प्रिंकल्स। मुझे संदेह है कि क्या ऐसी चाय तुम्हारी प्यास को बुझा देगी, पर देखकर लगता है वो इसको एंजॉय कर रही है। ओप्स, बस एक समस्या है। लगता है लड़कियों ने अपने नाश्ते की प्लेट मिक्स कर दी। और अब एमिलिया खुले दिल से सोफिया के अंडों पर डेजर्ट डेकोर छिड़क रही है। और सोफिया अपनी स्वीटी के नाश्ते पर पेपर डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रही। ओह, ये मजेदार होगा। ध्यान से, ये जरूर स्क्रीन से पीछे होने का समय है। सत्यानाश, ये कैसा हैक है? क्या ट्रेजेडी है? दो नाश्ते खराब। दिन शुरू होता है, समय है काम पर जाने का। एमिलिया बास्केट वाली पिंक बाइक चलाती है। जाहिर सी बात है उसकी पसंदीदा कैंडी से भरी हुई। समय है शरीर में थोड़ा ग्लूकोज डालने का। और जाने का समय है। जहाँ कहीं भी एमिलिया जाती है, ट्वीट्स की कतार उसका पीछा करती है। ये रही सोफिया की राइड, चिली कलर्ड हॉट रॉड। जैसे दो। कितना शानदार दिन है। मुझे जल्दबाजी करना पसंद नहीं है, पर सोफिया ऐसा नहीं सोचती। वो अपनी गाड़ी को तेज चलाना चाहती है। लड़कियां स्पष्ट रूप से बहुत अलग जीवन जीती हैं। हे स्वीटहार्ट, रास्ता छोड़ो।
ओह खैर, अगर तुम लेट नहीं होना चाहते तो तुम्हें उसे भी अपने साथ ले जाना होगा और पिंक बाइक पार्किंग लॉट में इंतजार कर सकती है। कॉटन कैंडी के साथ पार्क में थोड़ी सैर, इससे बेहतर क्या हो सकता है, और सिर्फ तभी अगर तुम एमिलिया हो। सोफिया सचमुच ऐसा महसूस नहीं कर रही। हे हनी, तुम कैसे लेकर इतनी एक्साइटेड हो? यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, कम से कम ये गॉथ लॉलीपॉप स्थिति संभाल रहा है। एक सिल्वर लाइनिंग, लगता है उसे सहन करने लायक कुछ मिल गया। एक शूटिंग रेन, सोफिया का निशाना एकदम बढ़िया है। बस उस एक्यूरेसी को देखो और कितना शानदार इनाम है। मुझे टेडी बियर्स बहुत पसंद है। मुझे आश्चर्य है कि स्वीट टूथ को इतनी गंदी तरह कौन बुला सकता है। यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा कैंडीज भी कुछ नहीं कर पा रही। ओह मैं समझ गई, ये कार्टून है। ये पिंक स्टफ बहुत हुआ, हमें हार्ड कोर एक्शन की जरूरत है। एक रॉक कॉन्सर्ट ज्यादा बेहतर है। ये रॉक ऑन, पर एमिलिया बहुत उदास है। और सोफिया बस उसके साथ मजाक कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूँ, बस अपने कार्टून्स देखो। स्पाइसी गर्ल के साथ डेट पर जाने में कैसा लगेगा? कूल शूज हाई हील से काफी ज्यादा बेहतर है, और ब्लैक एसेंट के साथ पेपर का बुके एकदम बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है। लगता है ये लड़का सचमुच सोफिया के दिल तक पहुँचने का रास्ता जानता है। ये सच में अब तक का सबसे हॉट कपल है। चलो देखें कि एमिलिया की स्वीट स्वीट डेट कैसी चल रही है। उसे रोज कलर ग्लासेस से दुनिया को देखना पसंद है, इसलिए उसके बॉयफ्रेंड को मैच करना पड़ा। वो बहुत प्यारा है। एक कैंडी बुके, ये सचमुच वही है जिसकी एमिलिया को जरूरत थी। ये सब मेरे लिए। एमिलिया का बॉयफ्रेंड भी मीठे का शौकीन है। कितना प्यारा कपल है, वो एक दूसरे के लिए बने हैं। चलो अब देखें कि ये दो अलग लड़कियां एक साथ शॉपिंग कैसे करती हैं। सोफिया नहीं जानती कि उदासी से दूर कैसे हुआ जाए। अरे मिलिया हर जगह बस पिंक की तलाश में भाग रही है। देखो डोनट वाली टी शर्ट, क्या ये प्यारी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन सी लेनी चाहिए? इससे क्या फर्क पड़ता है? सोफिया के लिए ये सारी सेम है। लगता है कोई तंग हो गया, पर एमिलिया को महसूस होता है कि वो एक फेरी टेल में है। पिंक पिंक हर जगह। हालांकि लगता है सोफिया के लिए भी कुछ है। ओह पहले ही हो गया। हाँ मैं अपना मन नहीं बना पा रही। क्या सच में तुमने 3 घंटे बस बर्बाद किए और कुछ नहीं खरीदा? तुम एक कैंडी गर्ल को ऐसे लावारिसों की तरह नहीं छोड़ सकते, खासकर ऐसे बड़े मॉल में। वो एक बच्चे जैसी है। हे क्या तुम ठीक हो? ये सही एस्केलेटर नहीं है। ओह नहीं सोफिया, मुझे यहाँ मत छोड़ो। ओह आपको भी ऐसी स्थिति पता होगी जब आपकी दोस्त दिमाग से कमजोर हो जाती है। लेकिन एमिलिया के सारे जोक्स इतने सीधे साधे नहीं होते। उसे कैंडी की बारिश करना बहुत पसंद है। सिर्फ एक छतरी तुम्हें लॉलीपॉप की बौछार से बचा सकती है। अब तुम नहीं बचने वाली स्वीटी। एमिलिया बस बहुत खुश है। खैर तुमने क्या उम्मीद की थी, वो बच्चों की तरह बर्ताव करती है। तो सचमुच मुझे लगता है इसका मतलब बनता है।
क्या आपको स्पाइसी और स्वीट गर्ल के बारे में हमारी वीडियो पसंद आई? आप कौन सी बनेंगे? आपको ज्यादा क्या पसंद है, कैंडी या चिली फ्लेवर चिप्स? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आप ट्रूम ट्रूम पर नए स्केचेस मिस ना करें।